पीएम मोदी के नाम जमीन बैनामा कराने तहसील पहुंची बिट्टन देवी, वकीलों में हड़कंप। एक बुजुर्ग महिला अपना खेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर करने के लिए तहसील पहुंची। प्रधानमंत्री के नाम पर खेत करने की बात सुनकर वकील भी हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि महिला अपने बेटों से खुश नहीं है, नाराज थी। बुजुर्ग महिला बिट्टन देवी को समझाने की तमाम कोशिशें नाकाम होती नजर आई, किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई। अधिकारियों से सलाह लेने की बात कहकर अधिवक्ताओं ने महिला को वापस लौटा दिया। बताते चले कि विकासखंड किशनी के गांव चितायन निवासी बिट्टन देवी पत्नी पूरनलाल तहसील स्थित अधिवक्ता कृष्ण प्रताप सिंह के बस्ते पर पहुंची और लगभग 85 वर्षीय बिट्टन देवी ने बताया कि वे अपने 12.5 बीघा जमीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम करना चाहती हैं। पहले तो ये बात सुनकर अधिवक्ता चौंक गए, लेकिन दोबारा तस्दीक में भी यही बात कहने पर उनसे पूरी जानकारी की तो बुजुर्ग महिला ने बताया कि उनके पति की मौत हो चुकी है, उनके 2 बेटे और बहुएं उनका ख्याल नहीं रखते, सरकार द्वारा दी जा रही वृद्धा पेंशन से उनका गुजारा हो रहा है, ऐसे में वे अपने नाम दर्ज भूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम करना चाहती हैं। वकीलों के द्वारा समझाने के बाद भी वे एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हुई। इस पर अधिवक्ता ने उन्हें यह कहकर वापस लौटा दिया कि SDM से इस संबंध में बात करेंगे। इस बात पर वृद्धा मानकर वापस घर लौट जाने को तैयार हुई और जाते जाते यह कहकर लौटी कि हम 2 दिन बाद वापस आएंगे, आप अधिकारियों से बात कर लेना। हाँ अम्मा, आप तहसील क्या करने आई है? तहसील क्यों आई अम्मा? तहसील क्या करने आई अम्मा? तहसील में हाँ, क्या करने आई? यार वकील का यार भाई बुलाए ले रहे, देवेंद्र रावत गया भाई। सुनाई कम पड़ रही है। सुनाई का पड़ रहा अपने अम्मा, सुनाई पड़ रहा, सुनाई क्या करने आई आप? लिखा पढ़ी करने को। किसके नाम? 12.5 बीघा खेत। हाँ लिखिए हम। अच्छा हमारे आउट को खेत दो, वोट दो, अब हम 12 बीघा खेत फेंक दे। हाँ किसके नाम किने? मोदी जी को। किने? मोदी जी को दे। अच्छा मोदी जी को। अच्छा अच्छा हमें तनखा दे तो आपके मुखिया ने कट। ठीक है हमें लड़का बात कर 12.5 बीघा घुसियाज न खेत जाए न घर जाए न कोर जाए। और मोदी ने क्या क्या दिया? मोदी ने मोदी ने रुपया दो। कैसा? 1,000 रुपया दे। अच्छा दे 2,000 दे। अच्छा धरो आए 2,000। अच्छा तो आप अब हम दोबारा बीघा खेत फेंक दे मोदी जी के नाम करना है 12 बीघा। अच्छा तो मोदी से खुश हैं आप? मोदी से खुश हैं खुश आए हम। अच्छा खुश आए। अच्छा अच्छा हम भाई से गुजर करता बीड़ी हम आप हमारे बीड़ी पियते और दवाई खाते तो हम ढूंढ ढूंढ बीड़ी चोरा पियते ऐसे लड़का है खेत दे 5-5 लाख दे 4 बीघे के खेत और हमारे 12.5 बीघा को पिया है और खेतियों को पिया है घरों को पिया है और तुम्हें कौन ना जाए कतई जाए तीन लड़का सात नाती जो नाती है पंती तुम्हारा कोई ना सड़क पे रात सड़क पे किताए हाँ कौन लोग हैं आप? हैं कौन लोग अम्मा? कौन लोग हैं? कौन लोग? धीमर है। धीमर है? अरे कहाँ रहे? अच्छा अच्छा कहाँ रहे? ठीक है सर, क्या नाम आपका? मैं एडवोकेट कृष्ण प्रताप सिंह चौहान हूँ जी, तहसील परिसर किसने में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कृष्णप जी, वो ये महिला आई है, बुजुर्ग महिला, ये कह रही है मोदी नाम खेत करें, क्या मामला है इनका? मामला इनके 3 बेटे हैं। किस गांव रहने वाली हैं? नाम क्या है इनके? रहने वाली है बिट्टन देवी, इनका नाम है बिट्टन कुंवरी उर्फ बिट्टन देवी जी। पुत्री यादीन है, इनके मायके में चितायन में जमीन मिली हुई है, 12.5 बीघा इनके पास जमीन है और इनके बेटे ने खाना पीना नहीं देते, इनके जो तीमारदारी है इनकी बहुएं नहीं करती है जी। उससे दुखी होके इन्हें जो है जमीन अपनी जो प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के नाम करनी है, क्योंकि इनके खाते में जो पेंशन आती है मोदी जी डालते हैं, इन्हें जो किसान सम्मान निधि मिली है वो मोदी जी ने दी है, कोरोना काल में इनको जो लाभ मिला है धनराशि का वो मोदी जी ने दिया है, राशन इन्हें फ्री मिला है और ऐसे इन्हें शौचालय वगैरह इत्यादि इत्यादि लाभ जो है
मोदी जी ने सूखा राहत वगैरह अन्य लाभ जो है दिए हैं। कोरोना काल में मुफ्त लाभ जो है, राशन का लाभ और जो पैसे खाते में 500 रुपए डाले वो भी इनके खाते में आए हैं, उनसे ये बहुत प्रभावित है। क्योंकि जो काम बच्चे नहीं कर रहे हैं वो काम मोदी जी ने इनके लिए किया। तो उन्होंने कहा मोदी जी मेरे बेटे हुए और मैं अपने बेटे को सारी जमीन नाम करके दूंगी। ये मामला इनका पूरा संज्ञान में आया है और इन्होंने इसके लिए मुझे अपनी फर्द दी है। 12.5 बीघा का इनका नंबर है, ये जो फर्द है 12.5 बीघा ये आप बिट्टन कोनी नाम से जी। और बैंक खाते की इन्होंने मुझे रिसीविंग दिखाई है जिसमें इनके पास पैसे 2500 भी पिछले महीने भी आए हैं। ये जो इनकी ग्रामीण बैंक किसने की है और इन्होंने जो इसमें पैसे आए हुए हैं वो मुझे दिखाए हैं और हर महीने पैसे इनके पास आते हैं और पेंशन भी इन्हें पूरी मिल रही है। प्रधानमंत्री जब से बने हैं मोदी जी तब से इन्हें पेंशन बराबर मिल रही है। कौन सी पेंशन मिल रही है इन्हें? प्रधानमंत्री पेंशन मिल रही है, विधवा पेंशन इन्हें मिल रही है क्योंकि ये हस्बैंड इनके खत्म हो गए हैं, पति जो है। कितनी जमीन इनके पास है? 12.5 बीघा इनके पास जमीन है। तो पूरी जमीन करने आई हैं? पूरी जमीन मोदी जी के नाम करना चाहती। जब पैसे बोले मैं जमीन का करूंगी क्या जब बच्चे मुझे कुछ खाना नहीं दे रहे हैं? पर क्या प्रक्रिया रहेगी? मतलब ये प्रक्रिया ये है कि अभी मैं सोच रहा हूँ सरकार के नाम पीएमओ के नाम से जमीन हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं आते तब भी जमीन उनके नाम हो जाएगी। कोई ऐसा तो नहीं कि इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ हो? नहीं नहीं, इनकी एज तो काफी है लेकिन मानसिक संतुलन इनका बिल्कुल ठीक है। गाँव से मैंने पता किया, इनके गाँव के लोग भी हैं वो कहते हैं हाँ बिल्कुल स्थिति सही है, ये परेशान है अपने बच्चों से, मानसिक स्थिति इनकी मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इनके बेटों से संपर्क हो पाया नहीं पाया? बेटों संपर्क करने के बाद ही ये डिसीजन लेंगे क्योंकि हो सकता है कि मान लो बड़ी बूढ़ी है गुस्सा हो गई, उनसे हम कहेंगे थोड़ा मनाएंगे और उनसे कहेंगे इन्हें खाना दें, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं जी, इनकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है। तो आज बैनामा नहीं हो पाएगा? नहीं, आज बैनामा हमने खुद नहीं किया है, हमने सोचा है कि पहले इनके बच्चों से बात हो जाए उसके बाद इस चीज़ को लेकर, नहीं तो पीएमओ के नाम हम बैनामा कर देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। ये आपके पास पहुँची कैसे? ये बाई बस आई हैं, अपने आप बाई बस आई हैं, इन्हें पता चला है कि कृष्णा चौहान का बस्ता है तो इस तरह से ये अपने बस्ते पे आई हैं और इन्होंने मेरे बैनामा करने की अपील की है। हालांकि मैंने इन्हें दिन में समझाया, सुबह से ये कह रही बैनामा मुझे करना है, बहुत होशो हवास में और शुद्ध चित्त में है, ये ऐसा नहीं है इनकी एज का प्रभाव है ऐसा कुछ नहीं, बस ये परेशान है अपने परिवार और बच्चों से।